कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहन कुमार आपका हिस्सा तो वो जाती है मेरे माता सरस्वती जितेंद्र जी के विशेषता जी के होते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो आपके रिक्वेस्ट है साथ में बिल्कुल ठीक है भाई चौधरी के लगाई है 10 साल तक राज किया है जाने के बाद 5 साल भूल गई आप लोग कितने मजे आए 10 साल में मजे आए या 5 साल में मजे आप एक दूसरी पार्टी है हमारे बारे में कहते हैं भाई ये तो बाहर का भाई बात सुनो आई लेनी थी पहले फिर इनका घर का झगड़ा होती चप्पल के बाद नहीं छोड़ी लोकसभा के चुनाव में पूरे हरियाणा में इतनी बोल अकेले दीपेंद्र सिंह की भी 7 हजार ज्यादा इन चीजें की आरोप जो चप्पल का निशान था उसके बाद उनका निशान आया चापी का ताली का निशान का मतलब समझो तारा तो इधर पहले लग चुका हरियाणा में पैसे खाता भाई तो सूर आ गए सूर रहती है बात करें मेरा गांव सूर रहती है और भाई उस भाई ने भी पूछी हो भाई तेरा बड़ा गांव झज्जर में लगा सूर रहती है लगा क्यों पहुंच सकता है और यह मतलब लोगों के शासक यह है कि गांव को गांव में बांट दो घर को घर में बांट दो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई की नहीं देख लियो और हरियाणा में जित जित चर्चा में रोहतक में बादली में बादल में आपसे विनती है तो ये मायावती भाई सारा जी है वो सारी वोट आपके बटन पर दबा देना वो की सोच के बस पावर पड़ेगी मैं आपसे लिखे घोषणा पत्र आता था घोषणा पत्र को भेजा कार्य और कार्य की 51-52 रुपए पेंशन किसान का करना किसान का बिजली का बिल ना बिजली आपका गेहूं चावल का जो है वो 2 रुपए के जी 2000 रुपए हमारी जो बहने हैं उनको 2000 रुपए हर महीने आपके बीपीएल परिवार के खाते में हर महीने आया करेंगे तो मेरी आपने बात सुनी मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ और आपको भोजन देने जाता हूँ भाई भाई को भाई से लड़ाने का काम नहीं करूंगा भाई को भाई से जोड़ने का काम करूंगा ये मैं वादा करता हूँ किसी काम के लिए आपका बेटा आपका भाई कहीं वापिस ले जाएगा और एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई ये काम के लिए मेरे पास बताइयो और किसी काम के लिए भाजियो किसी ने काम पकड़ लेना भाई सिर्फ आपस में भाई झगड़े में मन मत सीखियो और मन टूटे जोड़े में खाते की चली जाए मेरे साथ आई जाए आपसी मैं तो क्यों कहता हूँ मैं भाईचारे को जोड़ने का काम करूंगा मैं भाईचारे को तोड़ने का काम नहीं करूंगा आपने मेरी बात सुनी मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ जय हिंद जय भारत 16 गांव की जय